हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। बब्बी सिंह आप देख रहे हैं बब्बी सिंह ब्लॉग्स। तो देखिए दिल्ली का चिड़ियाघर आए हैं घूमने के लिए। देख सकते हैं इस तरफ गार्डन पूरे बहुत दूर दूर तक है जानवर, तो देख सकते हैं। और ये हमारी फैमिली को देख सकते हैं आप, सब एक एक करके घूम रहे हैं। बहुत तेज धूप उगा हुआ है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना हमारा लुक कैसा लगा। तो गर्मी का समय है इसलिए हमने वाइट वाइट ड्रेस पहना है ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे। और बोतल ली है पानी का, देख सकते हैं। और ये हमारी फैमिली को अब भी देख सकते हैं। मिला था। यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ फूल पत्तियाँ, गार्डन हरी भरी थी चारों तरफ, तो बहुत ही अच्छा लगता। तो यहाँ पे हम अपना गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी कब आएगी। तो यहाँ हर 5 मिनट 2 मिनट पे गाड़ी आता है। अगर आप गाड़ी बुक करोगे तो हाथ में आपको एक बैंड मिलेगा, जो बैंड आपको ये साबित करता है कि आप गाड़ी लिए हो। तो हर कोई को नहीं मिलता है, अलग से इसमें का चार्ज पे करना पड़ता है। तो हम लोग अलग से इसका चार्ज पे किए थे क्योंकि हमें धूप बहुत तेज थी, तो हमने सोचा चलो गाड़ी ही कर लेते हैं। लेकिन आप लोग हम राय देंगे गाड़ी मत करना, क्योंकि हर 2 मिनट पर गाड़ी उतार देती थी, फिर आपको पैदल ही चढ़ना पड़ता था। तो बहुत बार हम इस गाड़ी में चढ़े उतरे देख ही सकते हो आप। तो हम गाड़ी में बैठ गए, फिर अगर आप कोई भी चिड़ियाँ देख ले रहे हो या पशु पक्षी को देख ले रहे हो तो फिर आप सड़क के किनारे खड़े रहो, फिर गाड़ी आएगी फिर आपको ले जाएगी। मेन रोड ले जाता था गाड़ी, और आपको देखने के लिए अंदर खुद ही जाना पड़ता था, गाड़ी अंदर तक नहीं जाती थी। तो हम देख सकते हैं हम जा रहे थे, गाड़ी वाले भैया बता रहे थे आपको कि कौन कौन सा जानवर किस साइड रहता है। तो हमने जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, जो जिसको हमने देख रखा था, गधा हिरण ये सब, मैंने बोला नहीं ये सब नहीं देखना है। और जो अच्छे अच्छे जानवर थे जैसे टाइगर हुआ, जो बड़े हिंसक पशु थे, वो हमने सोचा जिज्ञासा लगा था कि चलो कब देखे जब देखे। तो देखिए हम इधर आ गए, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा गार्डन था। अगर हम सारे जानवर देखते तो दिन से रात हो जाता, बहुत ही बड़ा यह पार्क है। तो हम फिर थोड़ा देर रुक के यहाँ पे देख सकते हैं मोर कितना प्यारा है, चारों तरफ मोर का ही आवाज़ आ रहा था, प्यू प्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस दिल्ली के चिड़ियाघर में हमें तो लग रहा था हजारों की संख्या में मोर ही मोर था, हर जगह जिधर देखो मोर ही मोर। तो आप कुछ भी इसको खाने के लिए दो तो ये खा लेता था, ये बाहर जैसे कि गार्डन में ये खुले घूम रहा था। आप इसको अच्छे से देख भी सकते हो, देख तो कितना प्यारा कलर है। यहाँ दिल्ली की चिड़ियाघर में बहुत सारे मोर थे, अधिकतर तो मोर की आवाज़ से यहाँ पूरे चारों तरफ गार्डन गूंज रहा था प्यू प्यू के। और यहाँ देख सकते हैं हाथी और हाथनी का दो जोड़ा था, तो बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे, लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे, ब्लॉग शूट कर रहे थे, हमने भी यहाँ थोड़ा सा शूट किया है। तो यह दिल्ली बहुत बड़ा है, लेकिन घूमने में पैर दर्द आ गया था। एक दिन में तो सारे जगह आप घूम भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी हमने म्यूजियम ट्राई किया था, म्यूजियम भी गए थे, फिर हम बैठ गए थे। हमेशा बैठ कर हम थोड़ा सा सांस ले लेते थे, पानी पीते थे, फिर चलते थे, क्योंकि फिर गाड़ी जो हम लिए वो बेकार ही लिया था, क्योंकि वो तो हमें सिर्फ रास्ते ले जाते थे, फिर छोड़ देते थे। यहाँ पे जो चीज़ आता था वहाँ पे फिर हमें छोड़ देते थे। तो फिर हम यहाँ बैठ कर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, जो गाड़ी म्यूजियम वाली जो घुमाने वाली रहती है। तो आप लोग आए हो या नहीं दिल्ली ज़रूर कमेंट करके बताना। तो गार्डन भी बहुत अच्छा अच्छा था, यहाँ पर फूलों की बहुत अच्छी अच्छी क्यारियाँ थी, तो मुझे तो देख कर बहुत प्रसन्न हो गई थी। तो देख सकते हम बालों में वाइट कलर का लगाया था, तो मैंने वहीं से तोड़ा था तो लगाया था, और रेड कलर का भी आप लोगों ने देखा हमें वीडियो में और शॉर्ट्स में देखा होगा, तो हमने यहीं से तोड़ कर लगाया था। फिर यहाँ पे देख सकते बहुत दूर में शेर सोया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे गैंडा था, बहुत सारे जीव जंतु थे, और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे थे जो यहाँ पे अभी नहीं भी थे, क्योंकि जब बीमार पड़ जाते तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिर मेरे हस्बैंड वहाँ बात कर रहे, तो फिर वीडियो कॉलिंग मम्मी को दिखा रहे, तो देख सकते वहाँ टाइगर आ रहा है, तो इसी टाइगर में हुआ दिल्ली वाला जो कांड हुआ था, तो इसी में हुआ था। तो देख सकते हैं बहुत दूरी तक घेर दिया गया है ताकि आप लोग दूर से उसे देखो और इन्जॉय करो। और यहाँ पे हमने पास बैठकर इसका फ़ोटो क्लिक किया था, लेकिन फिर भी यहाँ 2-3 जाली लगे हुए थे, उसके बाद वो घूम रहा था, लेकिन हमने जूम करके उसका पिक्चर क्लिक किया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें भी 2 टाइगर थे, तो शेर और शेरनी और बाघ और बाघिन, मैंने सबके 2 जोड़े रहते हैं। तो यहाँ हमारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, और वो हमें बोले दो मम्मी मोबाइल दो, हम भी फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो हम मना कर रहे थे नहीं बाबू नहीं मिलेगा। और ये देख सकते हैं ये तो एकदम उसको बुला रही थी, आओ आओ आओ, तो वो पास से गुजर रहा था, वो आवाज़ तो सुन नहीं रहा था, फिर भी वो घूम रहा था। जब उसको भूख लगता तो वो चारों तरफ घूमता है, तो आप देख सकते हैं कैसे घूम रहा है, राउंड राउंड गोल गोल घूम रहा था। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर भी पिक्चर क्लिक करवाए, फिर आगे
की ओर बढ़े। तो फिर हम गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो वो वहाँ पर गार्ड साहब थे, वो बोले आप लोग बैठ जाइए, गाड़ी आपको आएगा फिर आपको आगे की ओर ले जाएगा। लेकिन हम लोग बोले चलिए हम घूमते हैं, घूमते चलेंगे। फिर हम चिड़िया वाले सेक्शन में आ गए थे, तो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ चिड़िया थे, और जो बहुत सारे चिड़िया ऐसे थे जिसे हमने देखा था, और बहुत सारे चिड़िया ऐसे थे जिसे हमने कभी देखा भी नहीं था। तो हमारे बालों में देख सकते हैं वाइट कलर का फूल लगाया था, हमने वाइट कलर का गाउन वेयर किया था, तो वाइट कलर का हमने फूल तोड़कर वहीं से लगाया था। और आप लोग को हमारा ब्लॉग्स कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताना, और प्यारा से कमेंट करना कि हमारा ब्लॉग आप लोग किस देश के कोने से देख रहे हो। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। तो देखिए हम सेक्शन से निकल कर फिर चले चलो जहाँ पर सांप है वह उसमें चलते हैं देखने के लिए। तो इच्छा हो रही थी कभी इधर जाए कभी उधर जाए, तो हर चीज़ का अलग अलग समय और हर चीज़ का अलग अलग टाइम होता है। तो एक एक करके हम लोग देख रहे थे, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया था आप जहाँ से निकलोगे वहाँ से फिर आपको गाड़ी पिक करेगा, फिर आप उससे फिर बाहर निकल जाओगे, इसलिए आप सारे चीज़ को देख के तभी बाहर आना। तो फिर हम लोग इंजॉय किया, बच्चे को दिखाया, तो देख सकते हैं यहाँ चिड़िया वाले बड़े चिड़िया का सेक्शन था, इसमें बड़े बड़े चिड़िया से आप देख सकते हो। इसमें फिर हम जूम करके आपको दिखाते हैं, तो देख सकते हैं इसमें 3-4 चिड़िया थी, और सबका घोंसला और खाना पानी की व्यवस्था दिया गया था अंदर। तो इसमें दिया जाता है इन लोगों को खाने के लिए मटर और छोटे छोटे फ्रूट्स को काट काट के दिए जाते हैं, पानी पीने के लिए व्यवस्था भी था। बस यही था कि इतना दूर दूर था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीला पीला मकाओ, मकाओ जो होता है वो भी बहुत प्यारा जानवर पक्षी होता है। तो हम सारे जानवर को देख लिए, फिर पक्षी का सेंटर देखने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़े। छोटे छोटे इसमें उनका घर बना हुआ था, और अलग अलग रंग बिरंगे पक्षी थे, और वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ देख काला मुर्गा है जो यह बहुत कम देखने को मिलता है। फिर हम इधर आया गए थे देखने के लिए, तो बोल रहे थे भालू भी है इधर, काला भालू जो होता है, तो लोग इन भालू दूर में था, तो फिर हम लोग उसे देख नहीं पाए। तो फिर चले चलो यहाँ से चलते हैं दूसरे सेक्शन में चलते हैं। बहुत जीव जंतु ऐसे थे जो दूर में बैठे थे जो हमें दिख भी नहीं पा रहे थे, फिर भी हम लोग कोशिश किया जो भी कैप्चर हुआ उसे कर सके। और फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद फिर हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, हर थोड़ा थोड़ा सेकंड पर हमें गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता था ताकि हम आगे चल सके। तो आप देख सकते हैं हमारे बच्चे और हम, धूप इतना तेज था कि मत पूछिए, फिर भी किसी तरह हम शूट कर रहे थे अपने व्यूअर्स के लिए। आपको तो आई है कि आपकी दीदी आप लोग को दिखाने के लिए हमेशा एक्टिव रहती है, तो जब हम लाइफ स्टाइल शेयर करते हैं तो आप लोग को डेली ब्लॉग्स में एक वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, और आप लोग देखना और एंजॉय करना कैसा लगा। तो हमारी गाड़ी आ गई है, फिर हम लोग इसमें बैठ गए, तो देख सकते हैं इसमें हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में। तो गाड़ी में बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन यही था कि जस्ट 2 मिनट में हम लोग का आ जाता था तो हम लोग उतर जाते थे। तो हर 2 मिनट में गाड़ी आती थी, उसके बाद मेरी बेबी बहुत खुश हो रही थी कि गाड़ी देखकर, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ बैठने वाला था, आप पीछे भी बैठ सकते हो आगे भी बैठ सकते हो। तो चारों तरफ हम इंजॉय कर रहे थे जंगल का, तो वो हमें बता रहे थे कि आप लोग ने क्या क्या देखा और क्या क्या नहीं देखा है। तो फिर हम लोग उसे बता रहे थे कि हमने ये देखा और ये चीज़ नहीं देखा, तो फिर वो हमको आगे की ओर ले जा रहे थे। तो आप लोग दिल्ली आए हो तो ज़रूर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो हमने तो गाड़ी बुक किया था, तो आप देख ही रहे हो, और अब हम सजेशन करेंगे आप लोग गाड़ी मत बुक करना, ऐसे ही आप लोग पैदल पैदल चल के देख लेना। अगर थक जाओगे, अगर बूढ़ी माँ है या कोई अदवैस है तो उनके साथ आप बैठ सकते हो तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन आप लोग ऐसे ही चल जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा कि चारों तरफ जीव जंतु को देख भी सकते हो। वैसे में आप अधिकतर जीव जंतु को छूट भी जाते हैं तो देख भी नहीं पाओगे, तो देख सकते हो। यहाँ पे हमको बोल रहे थे कि आप लोग जाइए अंदर, मोड़ है। तो हम लोग दिल्ली में बहुत इंजॉय किया गार्डन में और पार्क में, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत जगह भीड़ भी थी देख सकते हो आप, जब फिर हम लोग देख लिए तो फिर हम जब बाहर निकले तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ था। तो टिकट काउंटर में यहाँ हर रोज़ इतना ही ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की शहर है, आप लोगों को पता ही है। तो हम दिल्ली 2 बार आ चुके हैं, तो इस बार तो हम अपने बहन के यहाँ आए थे, बर्थडे था बाबू का उन्हें, तो बर्थडे जब हो गई तो फिर कल हो गए हम सोचे चलो घूम लेते हैं थोड़ा सा, जब आए हैं इतनी दूर तो बच्चों लोग को भी घुमा देंगे। जब बच्चे मेरे छोटे थे तभी मैं आई थी, तो देख सकते हैं यहाँ ये था कि साफ़ सुथरा का बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ था, साफ़ सुथरा एकदम क्लीन था। तो और गर्मी ही इतना तेज़ थी कि मत पूछिए, हमेशा हर 2 मिनट पर प्यास ही लग जाती थी, बहुत तेज़ गर्मी थी। फिर भी हमें घूमना था तो क्या करते, और अपने व्यूअर्स को भी दिखाना था, इसलिए हमने शूट भी कर लिया। फिर हमने यहाँ के बोतल और खाने का पानी की व्यवस्था लिया था, और यहाँ देख सकते टिकट काउंटर पर टिकट जो लेते हैं, पहले का ये वीडियो है जो हम लोग टिकट लिए थे, लाइन में इस तरह लगना पड़ता है। वैसे तो हम लोग घूम लिए, तो ये पहले का ब्लॉग्स था छूट गया जो हमने अपलोड किया है,
तो फिर टिकट लेने के बाद फिर अंदर जाना पड़ता है, फिर अंदर आप लोग को गाड़ी अगर बुक करना होगा तो उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो हम लोग बाहर टिकट लेने के बाद अंदर आ गए थे और हमारे हस्बैंड फिर से टिकट ले रहे थे। और यहाँ गार्डन छोटे छोटे क्यारियाँ बनी हुई थी फूल पत्तियाँ के, आप लोगों ने हमें देखा होगा जब हम रील शूट किए थे तो उसमें गार्डन का आप देख रहे हैं। और पीछे देख सकते हैं फूल कितना अच्छा अच्छा खिला हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो टिकट लेना पड़ता है, जो गाड़ी में जो हम बैठे थे उसका टिकट अलग से रहता है। तो आपको हाथ में बैंड बांधने को मिलेगा, जब आप टिकट ले लोगे तो हाथ में बैंड मिलेगा। तो हम लोग तीनों टिकट करवाए थे, बच्ची लोग का भी टिकट लगा था इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ हाथ में बैंड बंधाया था, तो ये देख सकती हैं गार्ड साहिब आते हाथ में बैंड बांधी। और हमें बोल रहे थे आप लोग वीडियो ना बनाए, लेकिन फिर भी हमने नीचे कर लिया था अपने को और हाथ में हमने बैंड बंधा लिए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाबा प्रिंस, थैंक यू, अच्छा लगा हमारा ब्लॉग्स तो।